हम इधापा बैठे रहते हैं और उचकने लगते हैं क्योंकि हमें कोई बंद नहीं दिखता है। तभी इधापा पैर सामने से पैरों के निशान आ जाते हैं और गेट खुलता है तो मैं कोने में दुबक के बैठ जाता हूँ। और फिर इधापा से एक बंदा घुसता है तो मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसे कुछ डैमेज नहीं पड़ता। तो हम सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, तो हम जल्दी से जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं और फिर से कोने में आ जाते हैं। और जब तक वो नेट कर चुका होता है तो फिर उसके बाद में गेट खोलता है वो। हम छुपे रहते हैं, उसने गेट खोला अब, और फिर वो अंदर आने की कोशिश करता है। हम एम करे रहते हैं और जैसे ही वो अंदर आता है मैं उसे डैमेज दे देता हूँ। फिर हम दोनों की लड़ाई होने लगती है, हम देते हैं कभी डैमेज कभी वो देता है। फिर ऐसे ही चलते चलते मेरी लड़ाई चलती है और फिर वो अंदर जाने लगता है। तो फिर मैंने भी सोचा मैं भी अंदर चलता हूँ, तो फिर मैं भी अंदर जाता हूँ और गेट बंद कर देता हूँ जैसे कि वो फंस जाता है। और फिर मैं उसे एक गोली से मार देता हूँ। फिर इतने में इधापा एक गॉड साहब आने लगते हैं, तो फिर वो गॉड साहब ऐसे ही गोली चलाते रहते हैं, मैं हीलिंग करता रहता हूँ। फिर मैंने भी चलाने की कोशिश की लेकिन बैक के डैमेज नहीं पड़ जाता। फिर मैंने आराम से हीलो की, फिर खड़ा हुआ और गॉड को हेडशॉट मार दिया तो बॉट इधापा ख़त्म हो गया। सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है। Thanks for watching.